द मॉम्स वे को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि चैनल के थ्रू हम जुड़े रहें। और आज के वीडियो में है ना बीटरूट फ्राई, जो कि लिटरली मैगी बनाने से भी ज्यादा सरल है। तो ले लेनी है पहले आयरन की कढ़ाई और फिर इसमें गर्म होने पर डाल देना है थोड़ा सा सरसों जो चटक जाएगा। फिर इसमें डालनी है थोड़ी सी प्याज, हमने ऑयल उतना ही डाला था जितने में बस प्याज हो जाए। और इसके बाद ना इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इसे बस एक दो बार चला देंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए कढ़ाई में। और बस इसके बाद इंतजार करना है कि प्याज थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ग्रेटेड बीटरूट। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बीटरूट डाला था, हालांकि मेरी कढ़ाई इतनी छोटी है ना कि ऐसा लग रहा है कि पूरी कढ़ाई भर गई है। और बस अब इसे भी थोड़ा सा चला दीजिए। मेरा बीटरूट बहुत सॉफ्ट था, जूसी था, तो मुझे इसे ढक के पकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बीटरूट आपको लग रहा है थोड़ा टाइट है और नहीं पकेगा तो चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए ढक सकते हैं, ऐसा कोई किसी भी तरह का कोई रूल नहीं है। तो बस इसे थोड़ी देर हिला दीजिए और छोड़ दीजिए, थोड़ी देर हो जाएगा ये पक जाएगा। और इसे ना हमें सेमी कुक ही करना है, बहुत पका के एकदम इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं कर डालना है, हल्का सा क्रंच चाहिए हमें। अब ये देखिए ये लगभग हो गया है, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और फिर इसे चला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी और ये बस ना थोड़ी सी देर में पक जाएगा। अब बस ये लगभग पक गया और इसमें ना अंत में हम डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। शुरू में आपको याद होगा हमने हरी मिर्च नहीं डाली थी इसीलिए, क्योंकि हम बाद में काली मिर्च डालने वाले थे। तो अब बस गैस बंद करने से पहले ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट, बिल्कुल फ्रेश जो ताज़ा वाला नारियल आता है वो, और उसके बाद इसे मिला के और हम गैस को कर देंगे बंद। और ये हमारी बीटरूट फ्राई बन के रेडी है और ये बहुत न्यूट्रिशियस है। अगर ना ये बीटरूट का जूस और एज अ सैलेड इसे खा के आप बोर हो गए हो और कोई हेल्दी और टेस्टी तरीका ढूंढ रहे हो ना बीटरूट को खाने का, तो दिस इज फॉर यू। और बस अब इसे बोल में निकालो और मैं ना बता भी नहीं रही हूँ, ज़्यादातर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि इसमें ये न्यूट्रिशन वैल्यू है या ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, पर बीटरूट चीज़ ही ऐसी है कि इसके लिए बोलना भी बेकार है, हर कोई जानता है ये कितना न्यूट्रिशियस है। तो बस इसे ना अपने नॉर्मल खाने के साथ अपनी नॉर्मल थाली में बस एक साइड डिश की तरह ऐड कर देना है। और अब आज के वीडियो के बाद ना बीटरूट मॉडरेशन में खाते रहो और किचन का अपना ना एक नॉर्मल इन्ग्रीडियंट बना लो, एक इसेंशियल पार्ट हो जाए। और बस ये था आज का छोटा सा वीडियो, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये बहुत वीडियो लेट आया पर कोशिश करूंगी कि अगली बार हमारी मुलाकात जल्दी हो। तब तक अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। अभी के लिए बाय बाय।